वृंदावन में सुमती अमावस्या के अवसर पर ठाकुर राधा दामोदर दास जी फूल बंगले में विराजे। श्री धाम वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक ठाकुर श्री राधा दामोदर दास मंदिर में आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर भव्य फूल मंगले का आयोजन किया, जिसमें ठाकुर राधा दामोदर भगवान को मोगरे के फूल की कलियों से श्रृंगार कराया गया। विस्तृत जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत दामोदर गोस्वामी ने बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। इसी दिन शनि जयंती के साथ वट सावित्री का व्रत भी रखा गया। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बना है। सोमवती अमावस्या पर 108 प्रकार के दान दिए जाते हैं। सुमती अमावस्या के दिन काल सर्प दोष, पितृ दोष, अल्पायु दोष का निवारण किया जाता है। इसी दिन शनि पूजा, यम पूजा और भोलेनाथ की पूजा के साथ ही स्नान दान और पुण्य कार्य करने का महत्व। आज के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओंकार का जाप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी है। मान्यता है कि सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने पर घर में दरिद्रता दूर हो जाती है। महाकाल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन प्रकट करते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों के स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध के साथ सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। आज के पवित्र दिन ठाकुर जी को भव्य फूल बंगले में विराजमान कर उनका श्रृंगार किया जाएगा और 56 भोग का आयोजन भी किया गया। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। श्री राधा दामोदर लाल की जय। वृंदावन में सत्य देवालयों में से प्रमुख श्री राधा दामोदर मंदिर एक देवालय जिसमें कि ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि और इस अमावस्या में सोमवती अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या के उपलक्ष पर श्री राधा दामोदर मंदिर में भव्य फूल बंगले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत ठाकुर जी का बहुत ही अनुपम छटा जो कि कलियों का श्रृंगार धारण करवाया गया, जिसमें ठाकुर जी का मुकुट, सारे पूरे शरीर का आभूषण, अगर मैं उनका बक्षस्थल की बात करूं, उनके हाथों के कंगन की बात करूं, पैरों की पायल की बात करूं, हर एक छोटे छोटे कलियों से भगवान का श्रृंगार किया गया है। क्यों? क्योंकि इस गर्मी के समय, गर्मीष्यकालीन में ठाकुर जी को जितना हम शीतल प्रदान कर सकें और ठाकुर जी को जब हम जितना लाल लड़ाते हैं और जितना उनसे प्रेम और उनकी सेवा करते हैं, सजाते हैं, उतना भक्तों को आनंद आता है। श्री राधा दामोदर मंदिर में सोमवती अमावस्या के दिन फूल बंगला, कलियों का श्रृंगार आदि सभी देश विदेश के भक्तों के लिए साधु वैष्णव सेवा, प्रसाद सेवा एवं सर्वत वितरण और नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत परम पूज्य आचार्य श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी, बड़े गोसाई जी महाराज के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हुआ, जिसमें महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी जितना भी हम भक्तों की और भगवान की सेवा करते हैं, उस कलयुग में उस मनुष्य जीव को सिर्फ एकमात्र सार है उसके कल्याण का। तो हर कोई मिलके ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं और एक ही बात कहते हैं, क्या? फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सोमवती अमावस्या की। राधा दामोदर मंदिर से श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।